हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आकर हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ निमोनिया। टाइप्स ऑफ निमोनिया में मेनली आज हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के ऊपर, क्योंकि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह करेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया और एस्पिरेशन निमोनिया। तो इस सब निमोनिया क्या होता है, ये सब टाइप्स के निमोनिया में क्या दिक्कतें होती है, ये सब क्यों होता है, इस सब के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है। तो यू कैन गेट हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HAP, HAP का मतलब है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, व्हाइल इन ए हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर अनदर इलनेस और प्रोसीजर। मतलब कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जैसे हम हिंदी में बोलेंगे अस्पताल अधिग्रहित निमोनिया, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे HAP, ओके, हिंदी में इसे बोलेंगे अस्पताल अधिग्रहित निमोनिया, इंग्लिश में हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया क्या है, तो आपको अस्पताल में भर्ती होना या किसी अन्य बीमारी या कोई प्रोसीजर के लिए हॉस्पिटल या किसी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में भर्ती होने के दौरान, जब आप वहां पे भर्ती होंगे, जब आप वहां पे एडमिट होते हैं, उसके बाद आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है। क्यों, यह हम आगे देखेंगे कि क्यों हो सकता है, बट पहले समझिए कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया मींस यू कैन गेट हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया व्हाइल इन ए हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर अनदर इलनेस और प्रोसीजर। मतलब आपको अस्पताल में भर्ती होना या किसी अन्य बीमारी या प्रोसीजर के लिए हॉस्पिटल या किसी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में भर्ती होने के दौरान हॉस्पिटल में होने वाली जो इन्फेक्शन होती है वह हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहलाता है, या हॉस्पिटल में जो निमोनिया होता है उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया इज मोर सीरियस देन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बिकॉज इट्स ऑफ्टन कॉज्ड बाय एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया लाइक मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है यह क्या है, यह एक बैक्टीरिया है, ओके। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया आमतौर पर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, मतलब अस्पताल अधिग्रहित निमोनिया आमतौर पर किससे, तो कम्युनिटी मतलब समुदाय अधिग्रहित निमोनिया से ज्यादा गंभीर होता है। कल जो हम बात कर रहे थे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का, तो यह कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया से हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ज्यादा सीरियस होता है, ज्यादा गंभीर होता है, ओके। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया आमतौर पर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया से ज्यादा सीरियस होता है, ज्यादा गंभीर होता है, क्योंकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट या एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया जैसे मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MRSA लिखते हैं, के कारण होता है। समझ में आया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया से हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ज्यादा डेंजरस होता है, ज्यादा सीवियर होता है, ज्यादा गंभीर होता है। क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया जैसे मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यह बैक्टीरिया का नाम है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण होता है। और दूसरा, यह हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया आपको कब होगा, जब आप कोई अन्य बीमारी के लिए, जैसे आपको निमोनिया का लक्षण नहीं है, कोई दूसरी बीमारी के लिए हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो रहे हैं, या फिर आप कोई प्रोसीजर करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो उस दौरान जो आपको निमोनिया होता है उससे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। और यह हॉस्पिटल में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया होता है जो मेथिसिलिन रेसिस्टेंट अगर है तो इसकी वजह से ज्यादा सीवियर होता है, ज्यादा सीरियस होता है, ज्यादा गंभीर होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया से। दिस मीन्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कैन मेक यू सीकर एंड बी हार्डर टू ट्रीट। मतलब इसका मतलब है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया आपको ज्यादा बीमार कर सकता है, इसमें आप ज्यादा बीमार होंगे और इसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा टफ होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो होता है
यह क्या होता है? तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जब आप किसी हॉस्पिटल में या किसी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में या किसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह में जब आप एडमिट होते हैं किसी अन्य बीमारी के लिए या किसी अलग प्रोसीजर के लिए, तब वहां पे जब आपको निमोनिया होता है उस निमोनिया को हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। और यह कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया से हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ज्यादा सीवियर होता है, ज्यादा गंभीर होता है, क्योंकि इसका कारण है कि इसमें जो ड्रग रेसिस्टेंट, मेनली जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया होता है, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसकी वजह से होता है। और इसके लिए आप कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया से ज्यादा आप में गंभीर लक्षण दिखाई देगा, आप इससे ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं और इसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल लगता है कंपेयर टू कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ओके, अब हम बात करेंगे हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, तो हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया जो होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HCAP बोलेंगे, ठीक है, HCAP। तो यू कैन गेट हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया व्हाइल इन ए लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी सच एज नर्सिंग होम और आउट पेशेंट एक्सटेंडेड स्टे क्लिनिक्स लाइक हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। इट्स यूजुअली कॉज्ड बाय एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। मतलब कि हॉस्पिटल या हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया को हम हिंदी में बोलते हैं स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित निमोनिया। ठीक है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया को हम हिंदी में बोलेंगे स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित निमोनिया। यू कैन गेट हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया व्हाई इन ए लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी सच एज नर्सिंग होम और आउट पेशेंट एक्सटेंडेड स्टे क्लिनिक्स लाइक हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। इट्स यूजुअली कॉज बाय एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। मतलब कि आपको दीर्घावधि देखभाल सुविधा, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब बहुत दिनों के लिए अगर आप हॉस्पिटल में, ठीक है, देखभाल के लिए है, तो आप लॉन्ग टर्म देखभाल सुविधा जैसे कि नर्सिंग होम या आउट पेशेंट या फिर विस्तारित अस्थायी क्लिनिक में रहते हुए आपको हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया हो सकता है। हॉस्पिटल में होने वाले निमोनिया की तरह यह आमतौर पर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसा आपने देखा कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण हो रहा था, सेम यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में देखभाल के लिए, जैसे बहुत कोई आदमी बीमार पड़ रहा है, मतलब ओल्ड एज हो गया हुआ है और वह काफी दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसे निमोनिया हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो बैक्टीरिया रहता है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट रहता है, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसकी वजह से भी आपको निमोनिया हो सकता है। अब हम बात करेंगे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया क्या होता है? तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इफ यू नीड टू बी एन रेस्पिरेटर और ब्रीदिंग मशीन टू help you breathe in the hospital, usually in the ICU intensive care unit, you are at risk for ventilator associated pneumonia। मतलब कि ventilator associated pneumonia जिसे हम हिंदी में बोलेंगे ventilator संबंधी pneumonia, short form में हम इसे बोलेंगे VAP। okay, तो ventilator associated pneumonia जो होता है, अगर आपको हॉस्पिटल में बट मेनली आईसीयू में, आईसीयू का मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट, तो मेनली आईसीयू में श्वास लेने के लिए आपको रेस्पिरेटर या ब्रीदिंग मशीन की जरूरत पड़ती है, तो आपको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने का चांस अधिक रहता है या हो सकता है। जैसे कोई आदमी ज्यादा बीमार है, वह ठीक से श्वास नहीं ले रहा है, उसका O2 कम गया हुआ है, वह श्वास लेने में कठिनाई हो रहा है, तो वहां पे आईसीयू में, मेनली हॉस्पिटल के आईसीयू में आपको ब्रीदिंग मशीन या फिर रेस्पिरेटर वगैरह यूज करेंगे जिससे आप श्वास अच्छा से ले। तो यह मशीन यूज करने के बाद चांस रहता है कि आपको निमोनिया हो, और यह जो निमोनिया होता है इसे हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं। द सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एज वेल एज द ड्रग रेसिस्टेंट काइंड्स दैट कॉज हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एंड वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। मतलब कि आपको VOP वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने का खतरा कहां पे रहेगा? तो मेनली आईसीयू, हॉस्पिटल के आईसीयू में
कब, जब आपको रेस्पिरेटरी या फिर आपको श्वास लेने वाली जो ब्रीदिंग मशीन वगैरह ये यूज कर रहे हैं डॉक्टर, जिसपे आपको जरूरत पड़ रही है श्वास लेने के लिए, तो उस वहां पे जो होने वाली निमोनिया है जिसे हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं, या निमोनिया कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के सेम बैक्टीरिया, ओके, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में जो बैक्टीरिया था, सेम बैक्टीरिया यहाँ पे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में, सेम बैक्टीरिया के साथ ही हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का कारण बनने वाले जो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया यहाँ पे कौन था, तो मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का कारण बन सकता है, ओके? तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया क्या होता है, तो इफ यू नीड टू बी एन रेस्पिरेटरी और ब्रीदिंग मशीन टू हेल्प यू ब्रीद इन द हॉस्पिटल यूजुअली इन द आईसीयू, यू आर एट रिस्क फॉर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. नेक्स्ट द सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एज वेल एज द ड्रग रेसिस्टेंट काइंड्स दैट कॉज हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एंड वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ओके? मतलब कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया आपको हॉस्पिटल में मेनली आईसीयू में श्वास लेने के लिए रेस्पिरेटर या ब्रीदिंग मशीन की जरूरत पड़ती है, तो आपको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने का खतरा रह सकता है. और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के सेम बैक्टीरिया, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में जो बैक्टीरिया आपने देखा था, सेम बैक्टीरिया यहाँ पे बनने वाले ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में हमने देखा है मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यह बैक्टीरिया वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का कारण बन सकता है. अब हम बात करेंगे एस्पिरेशन निमोनिया. एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है, तो एस्पिरेशन इज व्हेन सॉलिड फूड लिक्विड स्पिट और वोमिट गो डाउन इन योर ट्रैकिया. ट्रैकिया को वाइन पाइप भी बोलते हैं, मतलब वो श्वास की नली भी बोलते हैं, एंड इन टू योर लंग्स. मतलब एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है, तो एस्पिरेशन निमोनिया तब होता है, एस्पिरेशन तब होता है जब ठोस पदार्थ, मतलब जो चीज आप कुछ खा रहे हैं सॉलिड फूड, तो वह ठोस पदार्थ या फिर तरल पदार्थ, तो लिक्विड डाइट कुछ अगर ले रहे हैं, या फिर थूक या उल्टी, जब आप वोमिट करेंगे तो उल्टी, या अगर आपके श्वास नली से होते हुए, जिसे हम श्वास लेते हैं, वह श्वास लेने वाली जो नली है उससे होते हुए आपके फेफड़ा में लंग्स में पहुंच जाता है, और उसके बाद इफ यू कैन नॉट कफ दीज ऑफ योर लंग्स कैन गेट इन्फेक्टेड. मतलब श्वास नली से होते हुए अगर वह ठोस पदार्थ या लिक्विड, मतलब तरल पदार्थ या थूक या जो उल्टी कर रहे हैं वह वोमिट मटेरियल, आपको श्वास नली से होते हुए आपकी फेफड़ा में पहुंच जाती है, और फेफड़ा में पहुंचने के बाद अगर आप इन्हें खासकर, मतलब खांसी करके बाहर नहीं निकालते हैं, तो आपको लंग्स में, आपके फेफड़ा में यह इन्फेक्शन हो सकता है, और वह जो इन्फेक्शन कहलाएगा वह एस्पिरेशन निमोनिया कहलाएगा, ओके? तो एस्पिरेशन निमोनिया आपने समझा, एस्पिरेशन निमोनिया बहुत इजी है. क्या है, तो एस्पिरेशन इज व्हेन सॉलिड फूड लिक्विड स्पिट और वोमिट मटेरियल गो डाउन इन टू योर ट्रैकिया. ट्रैकिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइन पाइप एंड इन टू योर लंग्स. इफ यू कैन नॉट कफ दीज ऑफ योर लंग्स कैन गेट इन्फेक्टेड. मतलब कि एस्पिरेशन निमोनिया या एस्पिरेशन तब होता है जब कोई ठोस पदार्थ, जो हम भोजन में खा रहे हैं वह ठोस भोजन, या फिर तरल मतलब लिक्विड फूड, थूक या फिर उल्टी, आपके श्वास नली से, ट्रैकिया से, वाइन पाइप से होते हुए अगर आपके फेफड़े में चली जाता है, आपके लंग्स में चला जाता है, और अगर आप इन्हें खासकर, मतलब खांसी करके बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पाते हैं, तो आपके लंग्स में जो यह मटेरियल पहुंचा हुआ है, जो सॉलिड फूड्स है या फिर लिक्विड है या फिर वोमिट मटेरियल है, वह यहां पे आपके लंग्स में जाकर क्या होगा, सरेगा, और सरेगा तो वहां पर क्या होगा, इन्फेक्शन पैदा होगा, और वही इन्फेक्शन आपको निमोनिया का कारण बन सकता है, जिसे हम एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं, ठीक है? कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा. अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप हमारे चैनल पर नए हैं, मतलब नए मतलब कि आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.